हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने किया फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। जब भी हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसमें हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है। तो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात करते हैं। तो आज हम ये सेशन में करेंगे डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्स और इनपुट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, इसी को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इनपुट्स भी कह सकते हैं और डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसकी डिटरमिनेंट्स हो जाएंगे। तो हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स और डिटरमिनेंट कौन से? फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, मीन्स लोकेशन वाइज। एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे लोकेशन, साइज, नेचर ऑफ बाउंड्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम कहें कोई कंट्री की लोकेशन बहुत अच्छी है, इट मीन्स क्या है, उसको बाहर जाने के लिए, किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने के लिए सी रूट अवेलेबल है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना सकता है। अगर मेरी कंट्री की लोकेशन ऐसी है कि मुझे अपनी नेबरिंग कंट्री के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, तो मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? सॉफ्ट होगी, क्योंकि मुझे अपनी स्टेट से बाहर जाने के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो लोकेशन का मीन क्या हुआ? एन इंटीरियर प्लेस सराउंडिंग बाय अदर स्टेट्स। वो किसके साथ सराउंडेड है? अगर सी रूट के साथ होगी तो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर अदर स्टेट के द्वारा बाउंड्रीज होंगी तो उसकी पॉलिसी सॉफ्ट होगी। देन साइज ऑफ द स्टेट, स्टेट का साइज क्या है, कि वो बिग स्टेट है, स्मॉल स्टेट है और मीडियम स्टेट है। अगर एक कंट्री का साइज बहुत बड़ा होगा तो उसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। अगर स्मॉल होती है उसकी सॉफ्ट होगी, जैसे हम नेबरिंग कंट्री भूटान की बात करते हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत सॉफ्ट होती है। एंड हम क्या, एक मीडियम कंट्री है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या माइल्ड है, वो सॉफ्ट भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। तो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। देन नेचर ऑफ बाउंड्रीज, जो हमारे बाउंड्रीज हैं वो कौन सी हैं, नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं। अगर नेचुरल बाउंड्रीज होंगी तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसके एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं तो उसकी प्रोटेक्शन करनी भी इजी है, तो इसके ऊपर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। देन नेचुरल रिसोर्सेज, एक कंट्री में कितने मिनरल्स अवेलेबल हैं, उसके नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर हमारी कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, इट मींस क्या है, हमको किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी कंट्री के मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बन सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज अगर ज्यादा होंगे तो रिच कंट्री होगी, फॉरेन पॉलिसी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, उस देश की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर भी हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। इसमें हम दोनों फैक्टर लेते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मीन्स क्वांटिटी, एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, हो सकता है किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन क्वालिटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन क्या क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी है कि हम जापान से मुकाबला कर सके, नहीं, कंपेरेबल है। इसीलिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों देखी जाती हैं, क्योंकि जापान की क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसीलिए जापान की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्वांटिटी मीन्स क्या, इट मैचेस टू द सोर्सेस ऑफ द स्टेट, स्टेट के सोर्स से मैच करनी चाहिए। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं एजुकेटेड होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, जो देश के लिए
सबसे ज्यादा काम करती है, देश को रिच बनाती है, तो फॉरेन पॉलिसी देश की पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। हिस्टोरिकली की हमने हिस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस किया है, हिस्ट्री में जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है। जैसे हम कहते हैं हमारे इंडिया के रशिया के साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत स्मूथ रहे हैं, रशिया ने हमको हमेशा अपने साथ रखा है, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। ऑल्दो आज के टाइम में रशिया और चाइना की क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी और रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्या है, बहुत स्मूथ है। हम आज भी रशिया को फ्रेंडली कंट्री मान रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन दे हैड इन द पास्ट। एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ पास्ट में क्या रिलेशंस रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। एंड कल्चरल, अगर हम कहें अगर हमारी किसी कंट्री के साथ कल्चरल बॉन्डिंग है, हमारे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाते हैं। कल्चरल क्लोजनेस क्या करती है, हमें फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल रिलेशन में और भी ज्यादा क्लोज लेकर आती है। तो कल्चरल नियरनेस, जैसे हम कहते हैं हम साफ के मेंबर्स हैं, आसियान कंट्रीज के मेंबर्स हैं, तो इनमें कल्चरल क्लोजनेस होती है जो इनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट माना जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर को हम कहते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है, अगर एक कंट्री डेवलप होगी तो उसको किसी कंट्री की जरूरत नहीं है, वो रिच कंट्री है, बाकी कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोई पुअर कंट्री होगी, अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगी तो फॉरेन पॉलिसी उसकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग क्या शो करता है कि हम क्या है, हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे हम यूएसए की एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक इकोनॉमिक पावर है, यूएसए को हम सुपर पावर कहते हैं। अगर वो सुपर पावर है, इट मीन्स क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। यूएसए ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई हम सब उसको फॉलो करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। अगर वो हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हमको वो सैंक्शन को मानना पड़ता है। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिटर्मिन करता है नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एंड उस कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है, ये भी रिप्रेजेंट करती है फॉरेन पॉलिसी को। अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी हम क्या कर सकते हैं, हम फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली डिवेलप होंगे, हमारी डिपेंडेंस अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो जाएगी, जो हमको स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एवरी कंट्री फॉलो सम आइडियोलॉजीज। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कौन सी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, गांधीज्म को, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। चाइना सोशलिज्म को, यूएसए लिबरलिज्म को। तो जैसे जैसे एक कंट्री की आइडियोलॉजी होती है वैसी उस देश की फॉरेन पॉलिसी होती है। नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी भी हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर डिटरमिन करती है। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात करते हैं। हम उन मीन की बात करते हैं जिस मीन्स के थ्रू हम नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे प्राइम होते हैं, और हर एक कंट्री यही चाहती है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो पाए। सो हम कहते हैं एवरी नेशन वांट्स टू सिक्योर समथिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। हम इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों डिवेलप कर रहे हैं, हमने फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई है।
फॉरेन रिलेशंस को कंक्लूड किया है तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना ही फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. एंड नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे प्राइम होती है. अगर हम कहें हमारी बाउंड्रीज हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है, इसको सिक्योर करना हर एक कंट्री का प्राइम ऑब्जेक्टिव है तो फॉरेन पॉलिसी इट गिव्स प्राइम फोकस ऑन इट्स नेशनल सिक्योरिटी इशू. अगर हम अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का बेनिफिट क्या होगा. अगर कोई भी हम पर अटैक कर दे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या मैटर करती है. इसीलिए हम ये कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करती है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल रिलेशन. तो हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है. नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज होगा उसका इफेक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी होगा ही होगा. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी इवेंट होता है तो हर एक कंट्री को इफेक्ट करते हैं. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के करंट इवेंट्स हमको अफेक्ट करते हैं. इट डिटरमिन्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द स्टेट. हमारे दूसरे स्टेट के साथ कौन से रिलेशंस है इसको भी ये डिटरमिन करते हैं. पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. जैसे पहले सोवियत यूनियन की बात करते थे, यूएसएसआर की बात करते थे, अब पावर स्ट्रक्चर किधर जा रहा है, यूएसए की तरफ जा रहा है. तो पावर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया. बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, ये सब कुछ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में चेंज हो रहा है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है. जैसे दिस इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग सुपर पावर थी अब वो क्या बन गया, यूएसए बन गया. इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज होता है जो हर एक कंट्री को फॉरेन पॉलिसी को भी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन किसके है, हम लोगों के होते हैं. जो भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो मेकर्स क्या करते हैं, वो मेकर्स लोगों के जो व्यू है उनको अकोमोडेट करते हैं, उसके बाद ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है. फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन पॉलिसी मेकर लोगों के व्यू को अकोमोडेट करेंगे फिर जाकर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी. जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में क्या है, जो कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म कर दिया गया है. लोग इसको कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. तो आज के टाइम में किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में किसी कंट्री को कॉलोनी बनाने की बात नहीं की जाती है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इनके अंकियस्ट हो चुका है. इसीलिए फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही बनती है जैसे उस कंट्री के लोगों का ओपिनियन होता है. नेक्स्ट पर्सनैलिटी फैक्टर्स. पर्सनैलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे देश के लीडर की पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या सोचता है, उसके व्यूज क्या है, वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, उसके पर्सनल वैल्यूज, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ओरिएंटेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम अपने देश की बात करते हैं, जैसे हम पंचशील की बात करते हैं, हमारे देश के लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंचशील पर बेस्ड थे, उन पर विश्वास करते थे, तो हमारी पॉलिसी भी ऐसे बन गई. जैसे एक देश का लीडर होता है उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके पर्सनल वैल्यूज होते हैं, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती जाती है क्योंकि ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर. हम कहते हैं हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम सभी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिफाइन करेगा. सो फॉरेन पॉलिसी डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है, इंडिया विल स्ट्रीव टू मेंटेन पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस. हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस ही डेवलप करेंगे विद अदर स्टेट. हम कभी भी किसी को कॉलोनी बनाने की बात नहीं करेंगे, किसी कंट्री की एक्सप्लाइटेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आर्टिकल 51 ये कहता है. तो हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करती है. एंड लास्ट वन इज अलायंसेस एंड इंटरनेशनल ट्रीटी. अलायंस का मीनिंग क्या है, नेशंस पूल देयर पावर इन द इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन. हम साथ मिल जाते हैं, अलायंस बनाती है. जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बहुत ज्यादा अलायंस बनाए हैं, अलायंस का टाइम स्टार्ट हो गया.
हम इंटरनेशनल ट्रीटीज करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की बात करते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें हम कहते हैं आज के टाइम में एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, इसको रिड्यूस करना होगा, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई है। हमने जो ट्रीटीज की है तो क्लाइमेट चेंज के लिए, अपनी नेशनल पावर के लिए, वो सारी हमने इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज की है। तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन फैक्टर्स को भी देखते हैं, उसके बाद ही फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं फॉरेन पॉलिसी किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके बाद ही एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी हमारे सामने आती है। फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करने के बाद हम उस कंट्री का बिहेवियर को बता सकते हैं कि वो कंट्री कैसी होगी। विद दिस हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।